दोस्तों इस हफ्ते 3 IPO से ओपन हो रही है। तीनों IPO का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने किसी भी IPO को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 3 IPO में से कौन सा IPO सबसे बेस्ट है, किसे आप लिस्टिंग गेन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, किस IPO को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, उसके साथ साथ सारे IPOs के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारा रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अभी तक एक भी IPO में लॉस नहीं हुआ होगा। आगे भी ऐसे ही प्रॉफिट्स कमाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम सुला विनेगर्स IPO के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सुला विनेगर्स लिमिटेड के ग्रे मार्केट प्रीमियम 24 रुपीज़ चल रही है, यानी अकॉर्डिंग टू GMP सुला विनेगर्स शेयर मार्केट में 381 रुपीज़ में लिस्ट हो सकती है, जो कि 6.72% प्रॉफिट होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए किसी भी IPO को कंसिडर करते हैं तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मिनिमम 20 से 25% होना चाहिए। नहीं तो अगर लिस्टिंग गेन के टाइम कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है तो उस केस में आपको लॉस भी हो सकती है। इसलिए अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से ज़्यादा है तो आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 6.72% है, इसीलिए लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसे अवॉइड करना सही रहेगा। अगर कल या परसों इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ती है तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर सुला विनेगर्स IPO को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इसकी वैल्यूएशन हमें चेक करना होगा। सुला विनेगर्स के अर्निंग पर शेयर यानी EPS 6.53 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है और इसकी अपर प्राइस बैंड 357 रुपीज़ है। तो इसकी PE रेशियो अपर प्राइस बैंड डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर जो कि 54.67 होता है। अगर इसे हम इसकी प्योर ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के 69.07, रैडिको खैतान के 45.94 एंड यूनाइटेड ब्रेडियर्स के 116.82 है। तो रैडिको खैतान को छोड़ के बाकी सबसे इसकी PE रेशियो कम है। तो पियर ग्रुप के कंपैरिजन में कंपनी जो 357 रुपीज़ का अपर प्राइस पॉइंट मांग रही है वो एक रीजनेबल प्राइस है, लेकिन जनरली 54 का PE रेशियो बहुत हाई होता है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस पॉइंट और थोड़ा सा कम होना चाहिए था। इसकी और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो फिलहाल प्रमोटर्स के पास 28.44% होल्डिंग्स है एंड इस IPO के बाद 23.21% का होल्डिंग्स बचा रहेगा। जनरली मैं किसी भी शेयर को पिक करने से पहले उसकी प्रमोटर होल्डिंग्स चेक करता हूँ। अगर प्रमोटर होल्डिंग 45% से कम होती है तो मैं उसे कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग कम होती है तो प्रमोटर्स सही से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एंड रिसेंटली हमने NDTV केस में भी देखा था, प्रमोटर होल्डिंग कम होने के वजह से अदानी ग्रुप ने NDTV को एक्वायर कर लिया है। इस वजह से प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, ये IPO पूरी तरह से ऑफर पर सेल में हो रही है, जिससे कंपनी को कुछ भी फायदा नहीं है। तो हाई वैल्यूएशन, लो प्रमोटर होल्डिंग एंड OFS, इन 3 रीजंस के वजह से ये IPO लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं लग रहा है। बाकी आप तो समझदार हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। चलिए अब आबंचू होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज़ चल रही है, यानी एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ये शेयर मार्केट में 290 रुपीज़ में लिस्ट हो सकती है, जो कि 7.41% प्रॉफिट होता है। इतने कम प्रॉफिट में हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स बिल्कुल ना के बराबर है एंड नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। चलिए इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, हर साल कंपनी की रेवेन्यू कम हो रही है। सेकंड, इस कंपनी इसके सब्सिडरी एंड प्रमोटर्स के ऊपर कुछ लीगल केसेस पेंडिंग है। हमें ऐसे कंपनी या फिर शेयर से दूर रहना चाहिए जिसके ऊपर केसेस चल रहा हो। थर्ड, इसकी सब्सिडरी आबंस कमोडिटीज लिमिटेड के ऊपर कुछ एलिगेशन चल रहा है जिसका सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोर्थ, इस IPO के 60% रिजर्वेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। मेरे हिसाब से QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास रिटेल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए वो कभी भी इसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे। शायद इस वजह से कंपनी ये शेयर से पब्लिक को चिपकाने की प्लानिंग में है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि ये बात सच हो। तो इन सारे रीजंस के वजह से इस IPO को लॉन्ग टर्म एंड लिस्टिंग गेन दोनों पर्पज से अवॉइड करना सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं लैंडमार्क कार्स IPO के बारे में। आज की डेट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपीज़ चल रही है, यानी ये शेयर मार्केट में 536 रुपीज़ में लिस्ट हो सकती है, जो कि 5.93% प्रॉफिट होता है। तो आज की डेट में सारे IPOs के ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन चल रही है, जिस वजह से लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी IPO सही नहीं लग रहा है।
अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इस कंपनी के ऊपर 464 करोड़ 36 लाख रुपीस तक का डेब्ट है। इस आईपीओ की पैसों से कंपनी 120 करोड़ रुपीस का डेब्ट क्लियर करेगी, उसके बाद भी इस कंपनी के ऊपर 345 करोड़ रुपीस का डेब्ट बचा रहेगा, जो कि कंपनी की प्रॉफिट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी इसके और कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, इसकी पीई रेशियो 28.29 है, जो कि एक रीजनेबल प्राइस है, इतना भी सस्ता या फिर इतना भी महंगा नहीं है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से लॉन्च होने के बाद इसकी कार सेलिंग्स बढ़ सकती है। अगर कार्स पेट्रोल एंड डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होती है तो उसमें भी इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल हाई डेब्ट के वजह से यह कंपनी लॉन्ग टर्म विजन से थोड़ी सी रिस्की नज़र आ रही है, क्योंकि सेम पैसा आप किसी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और क्रिएटर को फॉलो करते हैं तो आप उनके रेकमेंड किए गए स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक को कंसिडर करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर से कीजिए, किसी पर भी आग बंद करके भरोसा मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपको दिल से थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।